नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। रिग्नार्ड जो कि हमारा RMGX होता है, कैसे उसकी प्रिपरेशन होती है और उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि अल्कल हैलाइड में जब आप मैग्नीशियम डालते हैं, ईथर एज ए सॉल्वेंट और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर होता है, तो हमारा बनता है RMGX जो कि है रिग्नार्ड रिएजेंट। रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है उसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब रिग्नार्ड एक बेस है। और सिर्फ बेस ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है? क्योंकि उसका कॉन्जुगेट जो है वो एल्केन है, RH। तो हम पढ़ेंगे आज रिग्नार्ड के एसिड बेस की प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं रणभूमि में और रिग्नार्ड की एसिड बेस प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। लो आ गए हम रणभूमि में और इस रण को हमको जीतना है। ये जो टैंक देख बम से देंगे। जय हिंद, जय भारत। ये एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हाइड्रोजन अगर सोनम एक्स से अटैच है तो रिग्नार्ड उसके साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा। इसका मतलब ये हुआ, हाइड्रोजन जब सल्फर से अटैच है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अटैच है, हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से अटैच है, हाइड्रोजन जब एक्टिव मिथिलीन में है, हाइड्रोजन जब हैलोजन से लगा है, इन सब कंपाउंड में जब भी रिग्नार्ड ऐड करोगे वो एसिड बेस रिएक्शन